नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल आर जी इनोवेशंस के आज के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड में कुछ मेकिंग वीडियो नहीं है, ये आज के एपिसोड में हम लोग एक अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और ये अनबॉक्सिंग होगा एक नए इनोवेटिव आइटम का। आपने दोस्तों 3D मूवीज, 3D पिक्चर्स, 3D साउंड तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं जो चीज़ रिव्यू करने वाला हूँ वो है 3D राइटिंग पेन। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3D राइटिंग पेन। इससे कि आप 3D में लिख सकते हैं, सुनने में अजीब लग रहा है ना? हाँ, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ये 3D पेन जो है, इससे आप कोई भी सरफेस में 3D में लिख सकते हो और इससे आप जो लिखेंगे वो बिल्कुल 3D में उभर के आपके हाथ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे वो कागज़ के ऊपर रह जाएगा, इससे आप जो लिखेंगे वो बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा, आपके आँखों के सामने इसका 3D व्यू हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं एक नया प्रोडक्ट रिव्यू जो है 3D राइटिंग पेन। Please subscribe to my YouTube channel and click on the bell button to get all the updates. तो दोस्तों, ये है वो 3D राइटिंग पेन जिसका मैं बात कर रहा था। इसी से हम लोग 3D में लिख सकते हैं और हम अपने हाथ में अपने राइटिंग को ले भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस 3D पेन को अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बॉक्स है, इसके डिटेल्स है इसका, वो देख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D प्रिंटिंग पेन और यहाँ पे बॉक्स कंटेंट दिखा रहा है। इसमें एक पेन है, कुछ फिलामेंट्स है जो कि इसके इंक के जैसे यूज होता है, और है एक 12 वोल्ट अडाप्टर, और इधर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लायंसेस, और इसके पीछे लिखा है इसका फीचर्स, 3D प्रिंटर फॉर हैंड यूज, कंपैटिबल विथ ABS एंड PLA फिलामेंट्स। दो टाइप के फिलामेंट्स आता है इसका। डायमीटर ऑफ फिलामेंट्स 1.75 mm, नोजल डायमीटर 0.7 mm, हीटिंग टेम्परेचर 160 to 210, LCD कंट्रोल डिस्प्ले, LCD कंट्रोल डिस्प्ले, एडजस्टेबल फिलामेंट, पावर अडाप्टर, लाइट वेट फॉर यूजर्स ओवर 8 ईयर्स एंड ओल्ड, साइज, नोजल टेम्परेचर 60 डिग्री, एक्सेट्रा। यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, वो हम बाद में जब भी प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे तब फिर से देख लेंगे। तो चलिए इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। एक नाइस क्यूट सा पेन है इसके अंदर, हालांकि नॉर्मल पेन जैसा दिखता नहीं है, लेकिन देखने में बहुत क्यूट है। इसके डिफरेंट कलर्स आता है, मैंने ये ग्रे कलर का मंगवाया है। इसमें आप देख सकते हो बहुत से बटन्स और LEDs लगा हुआ है, और इसके ऊपर एडाप्टर और फिलामेंट के लिए दो होल्स बने हुए हैं। और चलिए देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। यहाँ पे दोस्तों एडाप्टर और इसके फिलामेंट के लिए होल है। यह है दोस्तों इसका फिलामेंट, जो कि 3D पेन का इंक आप कह सकते हो। इसी फिलामेंट को इस पेन के अंदर डालते हैं और इसे लिखते हैं। तो पेन के साथ कम्प्लीमेंट्री कुछ फिलामेंट्स भी आए हैं, और ये है इसका 12 वोल्ट अडाप्टर जिससे कि ये पावर सप्लाई मिलता है। ये देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट 2000 mAh एम्पीयर 12 वोल्ट का अडाप्टर। यूजर मैनुअल और इसके नीचे और कुछ फिलामेंट्स। इस बॉक्स के अंदर 6 फिलामेंट्स है टोटल, कुछ ब्लैक्स, रेड, वाइट, ऑरेंज, इन सबको रखते हैं। और इसके साथ है ये यूजर मैनुअल। ये मैं बाद में पढ़ लूंगा। अभी इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और इस पेन को एडाप्टर से कनेक्ट करके पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक येलो LED, यहाँ पे देखिए एक येलो LED,
जलता है जो कि पावर इंडिकेटर है। और यहाँ पे दो बटन्स है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, जिससे कि ये जो फिलामेंट है वो इंसर्ट करना और निकालने का काम आता है। और ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर से राइटिंग स्पीड कंट्रोल हो सकता है। और जैसे मैं ये डाउन वाला बटन प्रेस करता हूँ, एक रेड कलर का LED यहाँ पे टर्न ऑन होता है जो कि हीटिंग स्टार्ट करता है। और थोड़ी देर में ये रेड LED जो है ये देखिए ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे ग्रीन कलर में चेंज होता है तो ये पेन रेडी टू यूज है। अभी हम लोग इसके अंदर फिलामेंट डालेंगे। ये ग्रीन कलर का हो चुका है। और ये जो स्लाइडर है ये राइटिंग स्पीड कंट्रोल करने का, जैसे मैं पहले बताया। तो चलिए अभी इससे से ये इसको काट के फिलामेंट बाहर निकालते हैं। और हम लोग ये फिलामेंट को यहाँ पे ये होल में डाल के जैसे ये डाउनवर्ड बटन प्रेस करेंगे, ये अपने आप अंदर पुल हो जाएगा फिलामेंट। और जैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से इंक निकल रहा है तो हमको इसको स्टॉप कर देना है। और ये राइटिंग के लिए रेडी है। और इसे लिखने के लिए ये जो डाउनवर्ड बटन है इसको हमको प्रेस करके लिखना होता है। तो हम यहाँ पे एक वाइट पेपर ले लेते हैं और इसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं। चैनल का नाम ही लिखते हैं RG। इसके नीचे अभी एक लाइन बनाते हैं। तो ये हो गया। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने 3D पेन से लिखा है अभी। और पहले हम लोग ये फिलामेंट को पेन से निकालते हैं। और पेन से निकालने के लिए जो अपवर्ड एरो है इसको हमको प्रेस करके रखना है। तो थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये फिलामेंट निकलना चालू हो जाएगा। और जैसे ये निकलना चालू होता है हमको इसको खींच के बाहर निकलना होता है। तो ये बाहर आ गया। चलिए अभी इस राइटिंग को हम लोग पेपर से निकालते हैं। पहली बार ये 3D पेन से मैंने लिखा है। ये शायद थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहिए था। ये टूट के हाथ में आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही पतला मैंने लिखा था। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था। ये बहुत ही पतला हो गया है, टूट रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं राइटिंग कैसे 3D में उभर के आ रहा है। ये मैंने एक नॉर्मल पेपर के ऊपर लिखा था। ये कुछ ग्लॉसी पेपर के ऊपर होता तो ऐसे चिपकता नहीं। यार फर्स्ट टाइम के लिए उतना भी बुरा नहीं है। तो ये था दोस्तों 3D पेन से मेरा पहला राइटिंग। आप देख सकते हो ये RG इनोवेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है। और दोस्तों ये एक ब्लैक कलर के फिलामेंट से मैंने दूसरा भी कुछ लिखा था, लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं हुआ मुझसे, तो ये भी थोड़ा टूट गया था। फिर भी लिखने में ये बहुत ही मज़ेदार है। तो ये है 3D पेन जिससे आप मनचाहे कुछ भी लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और ये नोजल दोस्तों बहुत ही हीट होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी से लिखें ये नोजल के ऊपर पेन पकड़ने। और यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है हीटिंग टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए।
तो दोस्तों ये था 3D राइटिंग पेन। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर लगा होगा आपको तो इसमें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए वीडियोस के लिए। फिर मिलेंगे आपसे कोई नए वीडियोस, नए प्रोजेक्ट या फिर नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।